السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। हर किस्म की तारीफ़ और शुक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक़ और ज़ेबा है, जो सारी कायनात को वजूद बख्शने वाला, हर मखलूक की हिफाजत करने वाला और हर मखलूक की ज़रूरतों का पूरा करने वाला एक व तन्हा है। दरूद व सलाम हो अम्बिया इकराम पर, खुसूसन नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अम्बिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें इंस और जिन की रुश्द हिदायत के लिए मबूस फरमाया गया। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। معزز سامعین اکرام, आज इंशाअल्लाह ताला सूरह आराफ की आयत नंबर 127 से क्लास रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में कुरान मुकद्दस को समझने, उस पर गौर फिक्र करने, उस पर ईमान लाने और अमल के साथ लोगों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। लफ्ज़ी तर्जुमे पर गौर करें, फिरौन ने मोमिनों को शहीद करने के बाद अब जो फिरौनी हैं यानी जो सरदार हैं वो फिरौन से मशवरा करते हैं और उसे मशवरा देते हैं जुल्म का। उसके ताल्लुक से आयत नंबर 127 के अंदर अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ए अल्लाह हम तेरी पनाह में आते हैं शैतान से, ए अल्लाह तू शैतान के मकर फरेब से हमें बचा ले कि वो तेरे दीन से, तेरे कलाम से हमें दूर कर दें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और बार बार रहम फरमाने वाला है। वकाला, और कहा, मलाऊ सरदारों ने, किन सरदारों ने, फिरौन के सरदारों ने कहा, मिन कौमी कौम में से, फिरौना फिरौन की, फिरौन की कौम के सरदारों ने कहा, अता जरू, क्या तुम छोड़ दोगे मूसा मूसा को, वकौमा हूं और उसकी कौम को, यानी जब फिरौन शिकस्त खा गया अपने छूटे झूठे दलाइल के साथ, वो नाकामयाब हुआ, शर्मिंदा हुआ, जलील हुआ, और इस हाल में कि जिन लोगों को उसने लेकर के आया था मुकाबले के लिए, वो खुद ही हक को देख करके, हक को पहचान करके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की वाज़ो नसीहत को सुन करके और मौजज़े को देख करके हक को उन्होंने पहचान लिया कि ये जादू नहीं, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तरफ से मौजज़ा है, और वो बे इख्तियार चीख पड़े कि हम हारून और मूसा के रब पर ईमान लाते हैं और उस रब पर जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है, और सजदा रेज हो गए। तो इन्हें सजदा रेज होते हुए देख करके उसने बहुत जिल्लत महसूस किया और उसके सख्त सजा का ऐलान किया, तुम लोगों ने मेरे हुक्म के बगैर कैसे ईमान ले आए। फरमान जारी किया कि इनका एक तरफ से हाथ और दूसरे तरफ से पैर काट करके इनको सूली दे दो, इनको खजूर के दरख्त में लटका दो। अब इसके सरदार फिरौन के मशवरा देते हैं कि क्या तुम मूसा को और उसकी कौम को ऐसे ही छोड़ दोगे जमीन में, ले युफ से दू, कि वो फसाद फैलाएं, यानी हमारे मजहब को वो छोड़ देंगे, ये फसाद है इनके हिसाब से, ये बातिल माबूद की इबादत और झूठे रस्म रिवाज को छोड़ देंगे, ये फसाद है इनके एतबार से फिरौनियों के, ले युफ से दू कि वो फसाद फैलाएं फिल अर्द जमीन में, वह या जरा का, और छोड़ दे तुझे, वह आलिहता और तेरे इलाहों को, कि वो तुझे भी छोड़ देंगे यानी तेरी भी इबादत नहीं करेंगे और तेरे इलाहों की भी इबादत नहीं करेंगे, क्या इसलिए तू इन्हें जमीन में ऐसे ही छोड़ देगा। जब इस तरीके से उकसाया फिरौन को, तो फिरौन तो था ही जालिम, और हर दौर का हर नबी के एक फिरौन हुआ करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मेरा फिरौन अबू जहल है, तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का सबसे ज्यादा जालिम और सरकस अबू जहल था, और मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का सबसे बड़ा जालिम जो था वो, और दीन का दुश्मन, नबी का दुश्मन, ये फिरौन था। तो इसने हुक्म जारी किया, काला, उसने कहा,
सनुकत्तिलु, जरूर हम खूब कत्ल करेंगे, अबनाअहुम उनके बेटों को, और हम जिंदा छोड़ देंगे निसाअहुम उनकी औरतों को। यह दोबारा हुक्म जारी किया उसने, एक बार इसके पहले जारी कर चुका था, अब यह दोबारा कि इनके लड़कों को कत्ल कर दिया जाए ताकि ये आगे चल करके हमारे खिलाफ यानी जुल्म के खिलाफ ना लड़ सके। वह इन्ना, और बेशक हम, फौकहुम ऊपर उनके, काहिरून जबरदस्त हैं, यानी हुकूमत है हमारी, हमारी ताकत है, हमारा इख्तदार है। काला, कहा मूसा, मूसा ने, जब कौम का सरदार बादशाह हुक्म जारी कर दे और वो दुश्मन हो जाए कौम का यानी ईमान वालों का, अल्लाह और अल्लाह के नबी के मानने वालों का, तो ऐसी कौम को क्या करना चाहिए? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन आयतों के जरिए से बताया। काला, कहा मूसा, मूसा ने, ले कौम ही, अपनी कौम से, अस्तईनु, मदद मांगो, बिल्लाही अल्लाह से, वस्बिर और सब्र करो। दो अहम बात बताई कि अल्लाह से मदद मांगो, तो क्या अल्लाह हालात को नहीं जानता? बेहतर हालात को जानता है, लेकिन मदद मांगने से बहुत से फायदे हैं। जैसा जब हम दुआ करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमारा ताल्लुक मजबूत होता है, ताल्लुक बिल्ला बनता है, और दूसरा जब अल्लाह रब्बुल इज्जत मदद फरमाता है तो ईमान और यकीन में इजाफा होता है कि हमने रब से दुआ की और उसने हूबहू हमारी इस मुराद को, हमारी इस तकलीफ को, हमारी इस मुसीबत को दूर किया, और भी बहुत से फायदे। तो आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद तलब करो और सब्र करो, जुल्म कर रहा है इस पे अल्लाह, क्योंकि ये तकदीर में है, इस पे सब्र करो। सब्र वो जिसमें जजा और फजा ना हो, जिसमें शिकायत ना हो। सब्र, जैसे आप लोग जानते हैं, इन्नल अर्दा, बेशक जमीन, लिल्लाही अल्लाह ही के लिए है, यूरिसुहा, और वारिस बनाता है उसमें, मन जिसे, यशाओ वो चाहता है, मिन इबाद ही अपने बंदों में से, वल आकिबतु और अंजाम, लिल मुत्तकीन मुत्तकी लोगों के लिए। तीसरी बात बताई, सबसे पहले कहा अल्लाह से मदद मांगो, दूसरा सब्र करो, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर तुम्हें गालिब करेगा और अच्छा अंजाम तो मुत्तकियों का है यानी तकवा इख्तियार करो। कालू, उन्होंने कहा, उजीना, अजियत दिए गए हम, मिन कब्ल, इससे पहले, अन के, ताती, ताती यना, तू आया हमारे पास, वा मिन बादी, और बाद इसके, मा जो, जेतना, तू आ गया हमारे पास, यानी आप हमारे पास नहीं आए थे तब भी यह हमको अजियत देता था, आप आ गए तब भी यह हमें अजियत देता है, तकलीफ पहुंचाता है। काला, उसने कहा, ऐसा करीब है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा करीब है, रब्बुकुम, रब तुम्हारा, अनके, युहलिका, हलाक कर दे, अदुवकुम, तुम्हारे दुश्मन को, वयस्तखलिफकुम, और जानशीन बनाए तुम्हें, फिल अर्द, जमीन में, फयंजुरा, फिर वो देखे, कैफा, किस तरह, तामलून, तुम अमल करते हो, यानी इसके बाद अब तुम्हें जमीन में इख्तदार देगा और तुम्हें आजमाएगा कि तुम क्या करते। आए तफसीर की तरफ। कल की क्लास में हमने पढ़ा था, फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबला किया, हक और बातिल की एक कश्मकश थी जिसमें हक को तो गालिब आना ही था, हक गालिब आया, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दलाइल रखे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत कराई, अल्लाह रब्बुल इज्जत की पहचान, तौहीद की दावत दी, जुल्म से उसको रोकने की बात की, इसने अपने जादूगरों को सामने किया, और जादूगरों के भी जब जादू खत्म हो गए अल्लाह के मौजजे के सामने, तो वो बेइख्तियार सजदा रेज हो गए और उन्होंने ईमान का ऐलान कर दिया। जब उन्होंने ऐलान किया ईमान का, तो ये बहुत ज्यादा नाराज हुआ, गुस्से में आया, और इसने एक जुल्म भरा ऐलान किया कि तुमने मेरी इजाजत के बगैर ईमान ले आए हो, मैं तुम्हें, हारून और मूसा के रब पर तुमने ईमान ले आए हो, मैं तुम्हारा एक तरफ का पैर और दूसरे तरफ का हाथ काट दूंगा और उल्टा खजूर के दरख्त में लटका दूंगा। इसकी इतनी बड़ी धमकी, और धमकी नहीं, ये तो फरमान था बादशाह का, और ये हो करके रहना था क्योंकि उसको रोकने वाला वहां पर कोई नहीं था सिवाय अल्लाह सुभान व तआला के, और अल्लाह की भी यही मशीयत थी। इसके बावजूद भी जिन लोगों ने ईमान लेकर के आए थे, जिन्हें यकीन हो गया था अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर और मूसा अलैहिस्सलाम के नबी होने पर, उन्होंने हक को पहचाना जो था उसका ऐलान किया और कहा कि तू हमें क्या कर सकता है सिवाय मौत के, और ये दुनिया की जिंदगी है और एक
लंबा सा उन्होंने बयान किया जो हमने कल सुना था। मूसा अलैहिस्सलाम कामयाब हुए और जब आपकी इस कामयाबियों को फिरौन ने देखा तो उसने सख्त फरमान जिन्होंने ईमान कबूल किया था उनके लिए तो जारी किया ही, अब साथ में बनी इसराइल के लिए भी उसने जुल्म को जुल्म का ऐलान किया, जो अल्लाह सुब्हान तआला ने आयत नंबर 127 के अंदर फरमाया, वकाल अल मलाउ मिन कौमिही, और फिरौन की कौम के चौधरियों ने कहा, सरदारों ने कहा, क्या तू मूसा और उसकी कौम को छोड़ देगा ताकि वो जमीन में फसाद करे, और वो फसाद क्या, और वो मूसा तुझे और तेरे माबूद को छोड़ दे, ये फसाद करेंगे वो कि वो तुझे रब नहीं मानेंगे और तेरे माबूद को भी रब नहीं मानेंगे, ना तुझे हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझेंगे और ना तेरे माबूद को हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझेंगे, ना तुझे सजदा करेंगे, ना तुझसे दुआ करेंगे, ना तुझे रब मानेंगे और ना तेरे माबूद को। तो ये खुद भी अपने आप को माबूद कहलवाता था और अपने लिए भी एक माबूद बनाया हुआ था, यानी एक गाय की इबादत ये किया करता था। तो उन्हें यही खतरा हुआ कि ये लोग हमारे जो मजहब है जो सदियों से चला आ रहा है उसे ये छोड़ देंगे। इस बात को सुनकर के फिरौन ने एक सख्त फरमान जारी किया। फिरौन ने कहा, हम उनके नव मौलूद बेटे कत्ल कर देंगे और उनकी बेटियों को छोड़ देंगे। ऐसा ऐलान क्यों? कि ये कभी भी हमारा मुकाबला करने की ताकत ना रख सकें। इनके लड़के जब खत्म हो जाएंगे हमसे नहीं लड़ सकेंगे, यानी जुल्म का खात्मा नहीं कर सकेंगे, और हम इनके ऊपर जैसा चाहेंगे जुल्म करते रहेंगे। ये ऐलान दूसरी मर्तबा है। एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त ये फरमान इसने जारी किया था कि लड़कों को कत्ल कर दो, लड़कियों को जिंदा छोड़ो, और जब सारे लड़कों को कत्ल किया जाने लगा तो इसी के साथियों ने कहा कि जब बनी इसराइल के लड़के खत्म हो जाएंगे तो बनी इसराइल खत्म हो जाएगी, हमारी खिदमत कौन करेगा, हमारी खेतियों को, हमारे महलात को कौन बनाएगा। तो इसने हुक्म दिया कि एक साल लड़कों को जिंदा छोड़ो और एक साल के लड़कों को कत्ल करो। तो जब कत्ल करने का ऑर्डर था उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत की और मूसा अलैहिस्सलाम को पानी में डालने का हुक्म दिया, और मूसा अलैहिस्सलाम पानी से ही मिले फिरौन की बीवी आसिया अलैहिस्सलाम को। तो किब्ती लैंग्वेज में पानी से मिले हुए को कहते हैं मूसा, इसलिए आपका नाम मूसा रखा उसने, कि ये पानी से मिला हुआ है। और दूसरी मर्तबा कत्ल करने का ऑर्डर यहां पर दिया गया कि इनके लड़कों को कत्ल करो, लड़कियों को जिंदा छोड़ो ताकि वो इनकी खिदमत करे। और बेशक आगे अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि फिरौन ने कहा, हम उनके बेटों को कत्ल करेंगे और उनकी बेटियों को छोड़ेंगे, और बेशक हम उन पर पूरा गलबा रखने वाले हैं। पूरा गलबा रखते हैं क्योंकि हुकूमत थी इसकी, ये जो चाहे वो ऑर्डर करे वैसी होगा जैसा ये हुक्म देता है। अब ऐसा हालात हैं कि पूरा मिस्र इन्हीं का है, और बनी इसराइल जो वहां पर आकर के यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद आबाद हुए थे उनके ऊपर ये ऐसा जुल्म कर रहा है कि दिन और रात इनका काम करना है, और उतना ही इनको खिलाता था या उतना ही इनको खाने के लिए देता था कि ये जिंदा रह सके और हमारा काम कर सके, जिस तरीके से आज जानवरों के साथ किया जाता है कि उनको खाना पीना रहने की जगह इसलिए दी जाती है ताकि वो सेहतमंद रहे और काम करे। तो इस तरीके से जुल्म इनके ऊपर बनी इसराइल के ऊपर हो रहा था, और ऐसा बादशाह कि इनका सुनने वाला भी कोई नहीं था। ऐसे हालात के अंदर क्या करें? अल्लाह सुब्हान तआला ने बताया कि ऐसे हालात में यह करना है मूसा अलैहिस्सलाम की जुबानी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, قال موسى لقومه, मूसा ने अपनी कौम से कहा, तुम अल्लाह से मदद मांगो और सब्र करो। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का हथियार है दुआ, और शैतान अक्सर बेशतर हमको इससे गाफिल कर देता है। हम नमाज पढ़ते हैं, जिक्र अस्कार करते हैं, और भी सुन्नतों की पाबंदी करते हैं, फराइज की पाबंदी करते हैं, लेकिन दुआ के लिए खास तौर पर हम वक्त नहीं निकाल पा रहे, अक्सर और बेशतर देखा गया है। इस दुआ के बहुत से फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये, अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या नहीं जानता था कि हमें इस चीज की जरूरत है? बगैर मांगे, बगैर एप्लीकेशन के, बगैर कहे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कदर नेमतें हमें अता फरमाई है कि जिन नेमतों को ना हम देख पाते हैं, ना जान पाते हैं, और ना हम उसका इदराक कर सकते हैं। ऐसी बेशुमार नेमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बगैर मांगे हमें अता फरमा दी, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें अता नहीं की है। क्या हिकमत हो सकती है इसके पीछे? क्या अल्लाह वो नहीं जानता? तो सबसे बड़ा फायदा इससे, ये बेशुमार फायदे हैं उसमें, ये कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमारा ताल्लुक होता है, ताल्लुक बिल्ला मजबूत होता है, हम अल्लाह से कलाम करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, अपनी आजिजी उसके सामने पेश करते हैं। और दूसरा, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत उस परेशानी से हमें निजात दे देता है, निकाल देता है, तो हमारा ताल्लुक
और मजबूत हो जाता, हमारा ईमान और मजबूत हो जाता है कि हां अल्लाह है, अल्लाह सुनता है, उसने हमारी परेशानी को दूर फरमाई। तो ये ताल्लुक बिल्लाह मजबूत करने का एक बहुत कीमती रास्ता है, और जो खुद भी इबादत है, दुआ भी इबादत है। यानी जितने वक्त हम दुआ मांगेंगे हम इबादत के अंदर है। और भी बेशुमार फायदे आगे देखें। मूसा ने अपनी कौम से कहा अल्लाह से मदद मांगो और सब्र करो। दूसरा हुक्म सब्र करो। सब्र वो जिसमें शिकायत ना हो, और सब्र के ताल्लुक से हमने पिछली क्लासेस में डिटेल से पढ़ चुके हैं कि सब्र अल्लाह के गुनाह से रुकने पर भी सब्र, नेकी के काम करने में जो तकलीफ आए उस पर भी सब्र, तकदीर पर भी सब्र, अल्लाह ने जो हमारे लिए फैसला कर दिया उस पर भी सब्र। तो सब्र करो, और सब्र वो जिसमें शिकायत ना हो, और सब्र वो कि उस परेशानी से डर करके हम हक को छोड़ दें। और यहां फिरौन यही चाहते थे कि ये हक को छोड़ दें, लेकिन जिन लोगों ने ईमान लेकर के आए थे उस मैदान में, जो पहले जादूगर थे, उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया लेकिन हक को नहीं छोड़ा। और हक क्या कि सारी कायनात का खालिक और मालिक एक है, वो रब है, ना फिरौन रब है, फिरौन जिस जानवर की इबादत करता वो भी रब नहीं है। इस हक को नहीं छोड़ा उन्होंने, और अपनी आप को कुर्बान कराना, और कहा कि हम पहले मुस्लिम। तो सब्र यह है कि हम ऐसे नाजुक वक्त में हक को ना छोड़े, तौहीद को ना छोड़े। जब इंसान परेशानी के अंदर अल्लाह रब्बुल से डाल करके उसे आजमाता है कि इस परेशानी में यह मुझसे ही मांगता है या कहीं और जाता है, किसी और के सामने हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई करता है, तो दूसरा हुक्म दिया कि सब्र करो। बेशक जमीन तो अल्लाह ही की है, बेशक जमीन तो अल्लाह ही की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका वारिस बनाता है, और अच्छा अंजाम तो परहेजगारों के लिए ही है, लिल मुत्तकीन, तकवे वालों के लिए अच्छा अंजाम है। तो तीसरा कि तकवा इख्तियार करें। तो ये तीन अहम नसीहतें ऐसे वक्त में कि जब जालिम बादशाह है और पावर में है और वो जो चाहे वो हुक्म दे सकता है, तो हमें ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद तलब करनी है, सब्र करना है और तकवा इख्तियार करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से डर करके जिंदगी जीना है कि छोटे से छोटे गुनाह और बड़े से बड़े गुनाह से भी बच जाए। जब इसने ये फरमान जारी किया कि इनके लड़कों को कत्ल कर दिया जाए, और वहीं पर मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से भी कहा कि मुझे छोड़ दो कि मैं उसे कत्ल कर दूं, तो ऐसी सख्त धमकियों के बाद जब उसने दी, तो वहां पर जो एक छुपे हुए मुस्लिम थे, ईमान वाले थे, उन्होंने आकर के ऐलान किया। और वो ऐलान करते हैं, जब फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और आपके साथियों को दर्दनाक सजाएं देने का ऐलान किया, तो फिरौन की कौम में से एक मोमिन ने उन्हें नसीहत करते हुए हक अदा किया। यह मोमिन फिरौन का चचाजाद भाई था। इन्होंने अपना ईमान छुपाए हुए थे, लेकिन जब यह देखा कि ये लोग मूसा अलैहिस्सलाम को मारने की साजिश कर रहे हैं, मोमिनों को खत्म करने की और बनी इसराइल को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, तो इन्होंने आकर के फिरौन को भी और फिरौन के सरदारों को भी और दूसरे किमतियों को भी वाज़ो नसीहत, इनकी वाज़ो नसीहत और इनका बयान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह मोमिन आयत नंबर 28 से 46 तक में बयान किया, इतनी आयतों में कि इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया ऐसे नाजुक वक्त में कि जब बादशाह है और उसने मर्दों को कत्ल करने का और औरतों को जिंदा रखने का हुक्म जारी कर दिया, और जिन्होंने ईमान लाए थे उन्हें भी कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, ऐसे वक्त में ये मर्द मोमिन आते हैं और कहते हैं, अल्लाह सुब्हान तआला ने नकल फरमाया इनके इन बातों को और कलाम का हिस्सा बनाया कि मोमिन कयामत तक इसको पढ़ करके और याद करेंगे कि मर्द मोमिन अल्लाह का वली जो मूसा अली इस्लाम पर ईमान लेकर के आए थे उन्होंने क्या कुछ बयान फरमाया। सूरह मोमिन आयत नंबर 28। और एक मोमिन शख्स ने जो फिरौन के खानदान में से था और अपना ईमान छुपाए हुए था, कहा क्या तुम एक शख्स को महज इस वजह से इस बात पर कत्ल करते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है? डरो इस बात से मत। कितनी नसीहत भरी बात कि तुम उसे इसलिए कत्ल करना चाहते हो, इसलिए खत्म करना चाहते हो कि वो कहता है कि रब एक है, अल्लाह एक है। क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारा इंतकाम नहीं लेगा? उसका ये जुर्म कि उसने हक को कबूल कर लिया सारी कायनात के खालिक और मालिक को, तो तुम उसके आदमी को मारते हो। और ऐसी बहुत सी नसीहत इसके अंदर मिलती है इस एक जुमले के अंदर कि क्या तुम उस शख्स को महज इस बात पर कत्ल करते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और मैं तुम्हारे रब की तरफ से दलील लेकर आया हूं, और उसने तो दलील भी लेकर के आए हैं। अगर वो झूठा हो तो उसका झूठ उसी पर है, और अगर वो सच्चा है तो जिस अजाब का वो तुमसे वादा करता है वो कुछ
ना कुछ तो तुम पर आकर पड़ेगा। आगे फरमाया, अल्लाह ताला उसकी रहबरी नहीं करता तो हद से गुजर जाने वाला और झूठा हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी रहबरी नहीं करता है जो हद से गुजर जाए, मतलब जो नबियों का इनकार कर दे, नबियों की तालीमात का इनकार कर दे, हक का कि सारी कायनात का खालिक और मालिक एक है, वही हाजत रवा है, वही मुश्किल कुशा है, यह हक का जो इनकार कर देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे झूठों की हिमायत नहीं करता। फरमाया अल्लाह ताला उसकी रहबरी नहीं करता, उसको हिदायत नहीं देता जो हद से गुजर जाने वाला और झूठा हो। ए मेरी कौम के लोगों, आज तो बादशाहत तुम्हारी है कि जिस जमीन पर तुम गालिब हो, लेकिन अगर अल्लाह का अजाब हम पर आ गया तो कौन हमारी मदद करेगा। फिरौन बोला, मैं तो तुम्हें यही राह दे रहा हूं जो खुद देख रहा हूं, और मैं तो तुम्हें भलाई की राह ही बता रहा हूं, यानी भलाई की राह यह बता रहा हूं कि बचा लो अपने आप को और अपने माबूदों को, अपने मजहब को। जालिम बादशाह के सामने हक पेश करना, तौहीद पेश करना और जुल्म से उसको रोकना, यह सबसे बड़ा जिहाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल जिहाद जालिम बादशाह के सामने इंसाफ की बात करना है। सुनन अबी दाऊद, हदीस नंबर 4344। आगे कलाम चालू है, सूरह मोमिन आयत नंबर 30 में नसीहतें उस मोमिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के वली की। 30, और जो मोमिन था वो कहने लगा कि ए कौम, मुझे तुम्हारी निस्बत खौफ है कि तुम पर और उम्मतों की तरह, तुम पर और उम्मतों की तरह जो पीछे गुजर चुकी है, उम्मतों के दिन के अजाब का अजाब ना आ जाए। नूह की कौम और आद और समूद और जो लोग उसके पीछे हुए हैं, इनके हाल की तरह तुम्हारा हाल ना हो जाए, और अल्लाह तो बंदों पर जुल्म करना नहीं चाहता। और ए मेरी कौम, यानी नसीहत कर रहे हैं तारीख के हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से, कि देखो इसके पहले नूह अलैहिस्सलाम आए थे और दूसरी कौमें आई थी, हूद अलैहिस्सलाम आए थे, कौम आद आई थी, कौम समूद आई थी, और उन्होंने अपने अंबिया की बात का इनकार किया तो उनके ऊपर अल्लाह का अजाब आया। तुम भी वही कर रहे हो और मुझे डर है कि तुम्हारे ऊपर भी वो अजाब ना आ जाए। और ए मेरी कौम, मुझे तुम्हारी निस्बत पुकार के दिन यानी कयामत का खौफ है, जिस दिन तुम पीठ फेर कर कयामत के दिन भागोगे, उस दिन तुमको कोई अल्लाह से बचाने वाला नहीं होगा, और जिस शख्स को अल्लाह गुमराह करे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। और पहले यूसुफ भी तुम्हारे पास निशानियां लेकर आए थे, क्योंकि मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबूवत के साथ थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी तुम्हारे पास निशानियां लेकर आए थे, और जो वो लाए थे तुम उसके मुताबिक हमेशा शक में रहे, यहां तक कि जब वो फौत हो गए, इंतकाल हो गए, तो तुम कहने लगे कि अल्लाह उसके बाद कोई पैगंबर नहीं भेजेगा। इसी तरह अल्लाह उस शख्स को गुमराह कर देता है जो हद से निकल जाने वाला और शक करने वाला हो। जो लोग बगैर इसके कि उसके पास कोई दलील आई हो अल्लाह की आयतों को झुठलाते हैं, यानी अल्लाह की बात का इनकार कर रहे हैं बगैर दलील के, जबकि उनके पास कोई दलील नहीं। अल्लाह के नजदीक और मोमिनों के नजदीक यही झगड़ा निहायत नापसंद है, यही उनका ये झगड़ा निहायत नापसंद है कि कोई शख्स बगैर दलील के बात करे। तो मोमिन के नजदीक भी और अल्लाह के नजदीक भी ये बात बहुत ही बुरी है। इसी तरह अल्लाह हर मुनकिर सरकश के दिल पर मोहर लगा देता है। तो मुनकिर और सरकश इंसान होता है और इसके दिल पर अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहर लगा देता है। इनकी नसीहतें आप और इसका मुताला कर ले, आयत नंबर 46 तक, जहां पर ये फिरौन ने जब ये ऐलान किया तो फिरौनियों में से ही, यानी फिरौनियों के चचाजात में से ये मर्द मोमिन ने आकर के ऐलान किया और इन्हें तौहीद की दावत दी और नबी का इनकार करने का अंजाम इन्हें बताया तारीख के हवाले से कि पिछली कौमों के साथ यही हुआ है, तुम्हारे साथ भी यही हो जाएगा, और फिर इन्हें बताया कि मरने के बाद जिंदगी अल्लाह सुभान तआला के सामने हाजिर होना है और वहां कोई हाजत रवा और कोई मुश्किल पेशा, वहां कोई मददगार तुम्हारा नहीं होगा। और ऐसा शख्स जो हक ना जानते हुए, शरीयत ना जानते हुए और फिर शरीयत से झगड़ा करे, शरीयत के खिलाफ बात करे, तो ये अल्लाह के नजदीक बहुत ही बुरा है। और आगे भी इनकी नसीहतें हुई कि उन्होंने आखिरत के ताल्लुक से इन्हें बेदार किया कि मरना है और अल्लाह के सामने हाजिर होना है। वहीं पर हजरत आसिया अलैहिस्सलाम भी थी, जब फिरौन शिकस्त खा करके नाकाम होकर के, क्योंकि हक के सामने तो बातिल को खत्म होना ही है, जा अल हक व जहक अल बातिल इन अल बातिल काना जहूका, तो हक जब जब आया है
तो बातिन को संदिग्ध होना है। तो फिरौन जब शिकस्त खा करके महल में पहुंचा, इसकी बीवी आसिया अलैहिस्सलाम इसको चिढ़ाते हुए कहती हैं कि कौन गालिब आया, जबकि वो जान रही थी कि गालिब तो मूसा ही आए हैं। ये ऐसा चिढ़ाना जैसे हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु को तपती हुई रेत में लिटाया जा रहा है, मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, बड़ी चट्टान रखी जा रही है, और उसके बाद भी वो मुशरिकों को देख करके कहते थे आहद आहद, अल्लाह एक है। जिस बात से वो चिढ़ते थे उसी बात को, अल्लाह एक, क्या कर सकते हो कर लो, मैंने तो गवाही दे दी अल्लाह एक, तो मेरी जान ले सकते हो लेकिन इस हक को मुझसे नहीं जुदा कर सकते, इस हक को तो मुझसे नहीं छीन सकते। इसी अंदाज में अब आप गौर करें कि मिस्र की रानी है, कितना बड़ा मकाम और मर्तबा कि इतनी बड़ी हुकूमत की मालकिन, सारे नौकर चाकर और सारे जो वजीर हैं और जितने भी लोग हैं, इतना बड़ा ओहदा, इतनी बड़ी सल्तनत की रानी, इतना बड़ा मकाम, लेकिन जब हक किसी को समझ में आ जाता है, अल्लाह जिसे हिदायत अता फरमा देता है, जब वो हिदायत का तलबगार होता है, तो फिर सारी दुनिया उसके सामने हेज है, हकीर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी के सामने या अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने के सामने उसके लिए कोई चीज कोई माने नहीं रखती। तफसीर इब्ने कसीर जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 267, मतलब आसिया अलैहि सलाम के ताल्लुक से हम पढ़ेंगे, जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 267। फिरौन की बीवी पूछती है कि कौन गालिब आया, उन्हें बताया जाता है कि मूसा और हारून गालिब आए हैं। वो कहती हैं मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाती हूं। बस फिरौन ने पैगाम भेजा कि कोई सबसे बड़ा पत्थर चट्टान दिखाए और उस पर उसको गिरा दे, यानी ऐसा सख्त सजा का उसने ऐलान किया कि रेगिस्तान में तपती हुई धूप में इनको बांध दिया जाए, और अपने गुलामों से कहा कि उसे मारे, खुद भी नहीं गुलामों से पिटवा रहा है, और बार बार यह कहता है कि अगर यह इनकार कर देती है मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का और उसके रब का, तो यह मेरी बीवी है, और अगर यह इनकार नहीं करती तो इसे इसी तरीके से मारते रहो। लेकिन उसके बाद भी जब ये लोग मार रहे थे, उसके बाद भी हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम हक से इनकार करने को तैयार नहीं थी, एक रब के ऊपर टिकी हुई थी, तो इसने थक करके ये कहा कि एक बड़ी चट्टान लाओ और इसके सर पर मार करके इसे खत्म करो, और अगर ये अपनी बात से बाज आ जाए तो ये मेरी बीवी है। बताएं, एक तरफ ऐसी जिल्लत की मौत देना चाहता है कि अपने गुलामों से खत्म करवा देना चाहता है, और साथ में ऑफर भी रखता है कि इस मिस्र की ये रानी होगी, मुल्क की रानी होगी, अगर ये कह देती है कि आज तो, अगर ये ईमान का इनकार कर देती, अगर ये बाज आ जाती है उस पर ईमान से, यानी उसके रब पर ईमान से, तो ये मेरी बीवी। उस हालत में हजरत आसिया अलैहि सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की, उस दुआ को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलाम का हिस्सा बनाया, सूरह तहरीम आयत नंबर 11, और इस खातून को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कयामत तक के मोमिन के लिए इन्हें एक एग्जाम्पल बनाकर के पेश किया, इनको एक मिसाल बनाकर के पेश किया कि दुनिया का सबसे बड़ा जालिम शख्स, उसकी बीवी, उसने हक को कबूल किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे इस कदर मकाम और मर्तबा पर पहुंचाया, और उनकी कुर्बानियां भी आप देखें। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाता है आयत नंबर 11 के अंदर, और अल्लाह ने अहले ईमान के लिए फिरौन की बीवी की मिसाल बयान की, अहले ईमान के लिए फिरौन की बीवी की मिसाल। जब उसने कहा ए मेरे रब, मेरे लिए अपने यहां जन्नत में एक घर बना, जब ये जुल्म सितम कर रहे थे और आसिया समझ गई कि अब तो मुझे ये हलाक कर देंगे, तो आसमान की तरफ नजर करके और ये कहती हैं कि ए मेरे रब, मेरे लिए अपने यहां जन्नत में एक घर बना। इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पहले इसने पड़ोस मांगा अल्लाह सुब्हान तआला का, और उसके बाद कहा घर, इंदका कह करके कि मुझे अपने पास, रब्बिबनी ली इंदका बैतन, अपने पास बैत यानी घर दे। तो जब उसने कहा ए मेरे रब, मेरे लिए अपने यहां अपने पास जन्नत में एक घर बना और मुझे फिरौन और उसके अमल शर से निजात दे। अब देखें, इतनी बड़ी बादशाहत से निजात मांग रही है, इतने बड़े मकाम और मर्तबे से कि वक्त की रानी है, उससे निजात मांग रही, और मुझे फिरौन और उसके अमल शर से निजात दे, और मुझे जालिम कौम से निजात दे, और जालिम कौम से भी निजात दे, यानी इस रानी होने के हैसियत से जो मैं हूं इससे भी मुझे निजात दे दे। यह है तौहीद, कि जब बंदे को अल्लाह की मारफत हो जाती है, और यही उसकी शान भी है कि जब उसने जान लिया सारी कायनात के खालिक और मालिक को, तो फिर वो उसका मकाम और मर्तबा किसी और को दे ही नहीं सकता, वो सब कुछ कुर्बान कर सकता है
लेकिन अपने रब को वो नहीं छोड़ सकते। यही तो पहचान की दलील है कि वाकई उसने सारी कायनात के खालिक और मालिक को पहचान लिया कि अब उसको छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार। ऐसी कीमती नेमत उसके हाथ में लग गई है कि दुनिया की सारी नेमत, यहां तक कि अपनी जिंदगी भी उसके सामने हेच है, उसके सामने कोई माने और मतलब नहीं है। इसी तरीके से एक हदीस जो सिलसिला तो सही अल्लामा अल्बानी ने अपनी सही में नकल किया, हदीस नंबर 3870, इब्ने जरीर ने सलमान से रिवायत किया है कि फिरौन की बीवी को धूप पर खड़ा करके ईजा दी जाता यानी मारा जाता, मगर जब फिरौन उसे धूप में खड़ा करके चला जाता तो फरिश्ते उसके ऊपर आकर के साया कर, फरिश्ते अपने परों से उन पर साया किया करते थे और वो जन्नत में अपने महल को देखा करती थी। तो ये करामत भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताई और ये सही हदीस है। तफसीर अल तबरी ने भी इसको रिवायत किया जिल्द नंबर 28 और सफा नंबर 218 में, और तफसीर इब्ने कसीर ने भी इसको रिवायत किया है सफा नंबर 267। इनके मकाम, और फिर जब उसने कहा कि एक बड़ा पत्थर ला करके इनको मार दो, तो एक उसके दरबार का जो शख्स था उसने एक बड़ा सा पत्थर लाया और उनको मारना जैसी चाहा, तो उन्होंने अल्लाह सुभान तआला से दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी रूह को परवाज कर ली और उनके उस लाश के ऊपर, उस जिस्म के ऊपर वो पत्थर गिरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके मकाम और मर्तबे को बताया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी, सफर नंबर 268 तफसीर इब्ने कसीर। इमाम अहमद ने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह की रिवायत को बयान किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर चार खत खींचे, चार लाइनें खींची और फरमाया, क्या तुम जानते हो कि ये क्या है? सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो आपने फरमाया, अहले जन्नत की औरतों में सबसे अफजल खतीजा बिनत खुवैलद है, यानी नबी मुकर्रम की पहली बीवी हमारी माँ हज़रत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, और दूसरा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा बिनत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत फातिमा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। तीसरा मरियम बिनत इमरान, मरियम अलैहिस्सलाम जो ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हैं, और फिरौन की बीवी आसिया। मुसनद अहमद जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 299। सहीहैन में अबू मूसा अशारी से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी पूरी दुनिया के अंदर चार खवातीन के ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत खींच करके, लाइन खींच करके और समझाया सहाबा इकराम को कि ये चार खवातीन ऐसी हैं जो अफजल मकाम रखती हैं जन्नत में। और इसी तरीके से दूसरी हदीस जो सहीहैन की है उसमें अबू मूसा अशारी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द मोमिन से तो बहुत से कामिल हुए हैं, मगर औरतों में से सिर्फ आसिया जौजा फिरौन और मरियम बिनत इमरान और खतीजा बिनत खुवैलद कामिल हुई हैं, और बेशक आयशा का तमाम औरतों पर फजीलत इसी तरह है जैसे शरीर को तमाम खानों पर फजीलत हासिल है। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3411 और मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2431। तो ये वो खातून है कि इन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया हजरत आसिया, जबकि बादशाहत थी, इज्जत थी, शोहरत थी, खूबसूरती थी, लेकिन हक के सामने, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद के सामने इन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करके और हमेशा हमेशा के लिए कामयाब हो गई। तो फिरौन जहां पर वो शिकस्त खाया, वहीं पर जो लोग ईमान लेकर के आए, तो पहले तो वो जादूगर थे जिन्होंने ईमान लेकर के आए और वो शहादत का उन्होंने मकाम और मर्तबा हासिल किया, उसके बाद फिरौन के ही घराने से, उसी के खानदान से एक मर्द मोमिन, उन्होंने भी हक को कबूल किया और ऐलान किया, और फिरौन के घर की ही उसी की बीवी हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम ने भी, जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को पानी से उठाया था और परवरिश की थी, उन्होंने भी इस्लाम को कबूल करके और ऐलान किया और हक के अंदर ही डटी रही। फिरौन ने जब ये जुल्म कर रहा था तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहलवाया, या मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हें सब्र करना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद तलब करनी, जो आयत नंबर 28 के अंदर हमने पढ़ा कि मूसा ने अपनी कौम से कहा कि तुम अल्लाह से मदद मांगो और सब्र करो, बेशक जमीन तो अल्लाह ही की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका वारिस बनाता है, और अच्छे अंजाम तो परहेजगारों के लिए ही होते हैं, यानी मुत्तकियों का अंजाम अच्छा ही होगा। आयत नंबर 29 और आज की क्लास की आखिरी आयत, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हमारे पास तुम्हारे आने से पहले भी हमें तकलीफ दी गई, यानी ए मूसा आप जब नहीं आए थे
तब भी हमें यह फिरौन तकलीफ दिया करता था और तुम्हारे आने के बाद भी हमें यह ईजा पहुंचा रहा है, तकलीफ पहुंचा रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें समझाते हुए कहते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा, यानी जुल्म का खात्मा जरूर होकर के रहेगा। उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा और तुम्हें जमीन में जानशीन बनाएगा। अब जानशीन बनने के बाद क्या होगा, ये सबसे ज्यादा इबरत वाली बात जो आखिरी हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत के फरमाया, फिर देखेगा कि तुम कैसे अमल करते हो। जब तुम्हें पावर मिल जाएगा, तुम्हें जब ताकत मिल जाएगी, तुम्हें जब जमीन मिल जाएगी और तुम्हारे दुश्मन को अल्लाह सुब्हान तआला हलाक कर देगा, तो तुम्हारे दुश्मन ने इसलिए इस कदर सरकसी की क्योंकि उसे बादशाहत दी गई थी, उसे दौलत दी गई थी, उसे शौहरत, उसका पावर था। उसने नबी को पहचानने के बाद भी उनका इनकार किया। अब यह सब तुम्हें दिया जाने वाला है और अल्लाह अब तुम्हें आजमाएगा कि तुम क्या करते हो, तुम भी उसी के तरीके से नबी की मुखालिफत करते हो या इताअत करते हो। यह पहले ही उन्हें समझा दिया गया। आगे हम देखेंगे कि फिरौन का क्या अंजाम हुआ। अभी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिरौन को पकड़ा नहीं, कई छोटे छोटे अजाब भेज करके फिरौनियों को हक बात समझाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने छोटे छोटे अजाब भेजा और उस अजाब को जब ये पाते थे तो समझ जाते थे कि हम मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी कर रहे हैं, एक अल्लाह के होने का इनकार कर रहे हैं, वक्त के नबी की तालीम का, उनकी सुन्नतों का इनकार कर रहे हैं, आखिरत का इनकार कर रहे हैं, इस वजह से ये अजाब आ रहे हैं। कभी टिड्डियों का अजाब है, कभी खून का अजाब है और कभी और भी दूसरी चीजों का अजाब है, आंधी और तूफान का अजाब है। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम से आकर के कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी मांग दो, अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये अजाब को छुड़वा लो तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। यानी इन्हें अच्छी तरीके से मालूम था कि हमारे गुनाह की वजह से अजाब आ रहा है और ये वक्त के नबी हैं, ये दुआ करेंगे तो अल्लाह दुआ सुनेगा और वादा भी कर रहे हैं कि हम ईमान ले आएंगे। यानी हुज्जत जो है इनके ऊपर पूरी हो चुकी थी। जैसे आज हमारे ऊपर जब अजाब आता है, परेशानी आती है, तो हम समझ जाते हैं हमारे गुनाह की वजह से और हम जाकर के अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ करते हैं, और जब दुआ करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मुसीबत को टाल देता है तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम किस तरीके से नाफरमानी और शरकसी पर उतर आते हैं। तो यही अंजाम इनका हाल था कि एक अजाब आता और ये दुआ में लग जाते, अजाब टलता फिर ये शरकसी नाफरमानी, फिर अजाब आता फिर। तो जब ये छोटे छोटे अजाब से भी इनकी अकल ठिकाने में नहीं आई, इन्होंने सही तौर पर ईमान नहीं लाया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर फाइनल एक ऐसा अजाब भेजा कि इन सब को डुबा डुबा करके अल्लाह सुब्हान तआला ने खत्म कर दिया। उसको हम इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में पढ़ेंगे। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि खालिक के मालिक जो कुछ भी हमने पढ़ा उस पर हमें मजीद गौर व फिक्र करने की तो तौफीक अता फरमा। जब तक हमें जिंदा रख, ईमान इखलास और अमल साले के साथ जिंदा रख। हमारा खात्मा खात्मा बिल खैर फरमा और नेकुकारों के साथ हमारा शुमार फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।